Assalamualaikum. I am Mukhtar Ahmed. For the Virtual University MGT 501 course, that is Human Resource Management, and we are here today for our lecture number five. लेकिन इस लेक्चर से शुरू करने से पहले, let me ask you कि आपको कैसा समझ आ रहा है? क्या आपने बुक्स लेके उसकी रीडिंग शुरू की कि नहीं? और जो लेक्चर के साथ साथ हर लेक्चर के साथ साथ जैसे हमने चार लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए उनके साथ साथ जो आपको नोट्स मिल रहे हैं जो पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको अवेलेबल हैं क्या उनसे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो अभी से स्टार्ट with us स्टार्ट sending अस योर मेल्स अ कंसर्न सो दैट वी शुड बी एबल टू मेक इट मोर बेटर एंड बेटर फॉर यू मसला तो वही है ना कि हमने आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कैसे मैं इस कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करूं या प्रेजेंट करूं कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक फिलासफी है वो समझ आती जाए सो हाउ आर वी डूइंग आई बिलीव जो बार बार मैं स्ट्रेस आपको कर रहा हूं उस पर आप अमल करते होंगे लेक्चर्स को रिव्यू ज़रूर करते होंगे साथ जो नोट्स मिलते हैं उनको ज़रूर पढ़ते होंगे और किताब से जो भी आपने बुक खरीदी हुई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उसको भी देखते होंगे एंड बिफोर कमिंग और बिफोर टाकिंग और स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर आप उस दिन के लेक्चर के जो पॉइंट्स हमने बताए होते हैं पहले वो आप देख के आते होंगे तो देन आई एम श्योर के हमारी फ्रिक्वेंसी एक होनी चाहिए और फिर लर्निंग भी बेहतर होनी चाहिए तो शुड वी स्टार्ट नाउट लेट सी एज यूजल वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा समराइज़ सम्रा, करेंगे थोड़ा सा उसका व्यू करेंगे कि लेक्चर नंबर फोर में हमने क्या डिस्कस किया था ये आप मेरे साथ साथ देखते भी जाएंगे बोलते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे तो क्या था लेक्चर नंबर फोर इट इट्स विद पीपल वर्किंग टूगेदर आपको याद होगा मैंने लास्ट किस लेक्चर में आपसे कहा था कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए अपने घर में अपने चंद साथियों को बुलाइए और मिल बैठिए और फिर पढ़ के देखिए कोई काम मिल के करके देखिए एंड सी द डिफरेंस जैसे आजकल आपको यू आर डूइंग द डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम द वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो अकेले पढ़ना अकेले काम करना दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम वन वेन यूट टूगैदर विद अदर पीपल इट हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स तो आपने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा कुछ ना कुछ आपको एनालाइज किया होगा आपने कि इसका क्या इफेक्ट होता है तो यही चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है और कैसे उसके मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर आस्पेक्ट जाहिर होते हैं एंड देन वी आल्सो कवर्ड द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी डिस्कस दैट दिस इज गिविंग अप ए न्यू काइंड ऑफ कंसेप्ट आर सब्जेक्ट इन द मैनेजमेंट साइंसेज विच कॉल इट वी कॉल इट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या था यस इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन इस स्टडी को इस बिहेवियर एस्पेक्ट को देखने के लिए जो हमने एक नया सब्जेक्ट मैनेजमेंट साइंसिस में इंट्रोड्यूस है उसको हम आर्गनाइजेशन बिहेवियर या ओ बी कहते हैं एब्रीवेटिंग फॉर्म में एंड देन वी आल्सो डिस्कस द वेरिएबल्स इन्फ्लुंसिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर मेरा बिहेवियर आपका बिहेवियर किसी के बिहेवियर की बात करते हैं तो कैसे ये बिहेवियर मोल्ड होते हैं कैसे ये बनते हैं तो ये सारा स्टार्ट होता है विद वैल्यूज़ नाम्स कल्चर किस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं फैमिली का क्या इफेक्ट था हेरिडिटी क्या इफेक्ट प्ले करती है इनहेरिटेंस जो आपके करेक्टर आते हैं आपके साथ फैमिली से और फिर उस काइंड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करती है ह्यूमन बिहेवियर को इंडिविजुअल बिहेवियर को तो ये सारे वेरिएबल्स भी हमने आई बिलीव डिस्कस किए थे और आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो जानी चाहिए अब तक फिर हमने एक मॉडल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिहेवियर पार्ट इन विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर किस तरह हम स्कोप ऑफ स्टडी क्या हो जाता है या स्कोप जिसे कहते हैं हम स्कोप ऑफ एनालिसिस क्या होता है सो वी डिस्कस अबाउट वन मॉडल ऑफ ओ बी एंड दैट मॉडल वॉज ऑफ थ्री लेयर्स नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तो वो कैसे शुरू होता था विद द यूनिटी यूनिट पॉइंट वो इंडिविजुअल से किसी भी अग्नाशय के अंदर वन पर्सन टू थ्री फोर एंड इस तरह वो यूनिट बढ़ते जाते हैं तो इंडिविजुअल बिहेवियर से शुरू करके देन वो डिस्कस विथ काइंड ऑफ इंडिकेटेड दैट देर शुड बी ए ग्रुप बिहेवियर उससे ऊपर सेकंड लेयर सेकंड टेयर जिसे कहते हैं ग्रुप बिहेवियर की थी आप ग्रुप लेवल ऑफ एनालाइजिंग जो एंड देन ऑफ कोर्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल तो ये तीन uh, ये बेसिकली ये तीन लेवल का या तीन स्टेयर का मॉडल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट टाइम लेक्चर में जिसको आज थोड़ा सा मोर इसमें थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे तो लेट्स सी व्हाट आर द टुडेज टॉपिक्स आज क्या हमने पढ़ना है ये भी तो आपको कल लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर फोर में बताया था तो आज हम इन्हीं तीन इन लेवल्स में से एक तो ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल्स को भी थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आज हम इंडिविजुअल को टच करेंगे फिर हम ग्रुप्स की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट टीम्स और क्या फ़र्क होता है इनमें और कैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं स्टार्ट विद इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स के लिए आपने भी एच आर एम की मुख्त बुक्स देखी होंगी तो रॉबिन्स इज ए वेरी गुड आथर वो ओ बी पे भी और एच आर एम पे उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं तो उनकी एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी आई था आई शुड शेयर विद यू वो कहते हैं कि हम सारे बात करते हैं कि वी वॉन्ट टू बी दार्ट ऑफ ए टीम बट स्टिल सी एवरी बॉडी कि उसका नाम बड़ा बड़ा पीछे लिखा होना चाहिए हमारी क्रिकेट टीम देखते हैं आप वसीम अकरम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पार थे हमारी उस टीम का लेकिन वो भी चाहते थे कि उनका नाम बड़ा बड़ा लिखा जाए जब जाके जब दौड़ रहे हों तो सारे देखने वाले देखें कि ये वसीम अकरम बाल करा रहा है इस तरह किसी भी टीम को देख लीजिए एथलीट किसी को भी देखिए तो उनका नाम या उनका नंबर एटलीस्ट काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ में उनकी टी शर्ट पर लिखा होता है एंड दैट वट दैट रिफ्लेक्ट बेसिकली ये बेसिक साइकोलॉजिकल और उसका जो फिलासफी है वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि दो वी आल वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम बट स्टिल वी वांट आवर ओन आइडेंटिटी ट्रू मैं भी चाहूँगा आप भी चाहेंगे कि आप पहचाने जाए एक अच्छी टीम से विनिंग टीम के साथ लेकिन उसके साथ साथ आपका भी अपना एक मकाम अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए आप हॉकी खेलते हो तो आप उस विनिंग टीम के मेंबर तो ज़रूर कहलाना पसंद करेंगे लेकिन ये भी चाहेंगे कि कुछ गोल आपके नाम से भी हों इसी तरह अगर क्रिकेट खेलते हैं बॉलर हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपकी कुछ विकतियाँ आप हासिल करें और आपकी पहचान आपकी आइडेंटिटी आए तो दैट इज़ बेसिक वो जो एक इंसान के या एक इंडिविजुअल का बिहेवियर एस्पेक्ट है उसमें इस चीज़ को भी मद्देनजर नज़र रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं दे ऑफकोर्स दे फील प्राइड दे ऑलवेज फील ऑनर दे आर पार्ट ऑफ ए विनिंग टीम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर का रहे हैं बट सेम टाइम दे आल्सो नीड रिकगनीशंस वो ये भी चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए उनको बैकअप किया जाए उनको फैसिलिटेट किया जाए ये चंद चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी फिर थोड़ा सा जस्ट टू रिव्यू एंड आल्सो कीप यू विद द पेस ऑफ दैट वट वेयर वी आर मूविंग कि बिहेवियर पे चंद चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो आपकी पर्सनालिटी है एटीट्यूड है वैल्यूज़ हैं ये सारी चीज़ें बेसिक जो नाम्स हैं जो आपने सीखा है ये सारा मोल्ड करता है आपके एटीट्यूड्स को आपकी इमोशंस को आपकी एबिलिटीज को और ये सारी चीज़ें मिलके फिर देन इंडिविजुअल्स की बिहेवियर बनाते हैं एंड व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर वेरी सिंपल क्योंकि वही इंडिविजुअल्स मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लेकिन जनरलाइज करना इसको कि एक इंडिविजुअल सबके बिहेवियर पे इफेक्ट कर सकेगा दैट सीम डिफिकल्ट ऑफ कोर्स कभी कभी होता है कोई एक बंद एक इंसान एक पर्सन आके सारे अदारे का कल्चर सारे इंस्टीट्यूशन का स्टाइल को चेंज कर देता है बट दैट इज़ वेरी रेयर वेन वी एयर टाकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशंस तो उसमें जनरली क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरों के बिहेवियर को शायद इतना डिफरेंट डिफरेंट ना कर सके उनको इतना चेंज ना कर सके लेकिन वो अपनी लिमिट जरूर बताता है उसका बिहेवियर उसका एटीट्यूड ये जरूर बताता है कि वो क्या चीज़ आसानी से बेहतरी से कर सकता है और क्या नहीं कर सकता क्या वो काम बेहतर तरीके पे कर सकेगा और क्या नहीं कर सकेगा दैट इज इट्स सेल्फ एनफ फॉर मैनेजमेंट फॉर द अदर पीपल टू गेस कि उससे कैसे काम लेना है उसने क्या करना है लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स चंद चीजें इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देखते हो गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीलिंग्स बिलीव और फिर उसका बिहेवियर आपस में इंटरलिंक होती हैं आपने इसी एग्जाम्पल को लेते हैं नंबर वन को कि इफ यू आई थिंक आई लाइक माई बास मेरी ये फीलिंग्स हैं ये क्यों मेरी फीलिंग्स डेवलप हुई हैं क्योंकि मेरा बिलीव है कि आई थिंक माय बॉस इज डिस नाइस पर्सन तो इट्स बिलीव के बेस पे इस बिलीफ के बेस पे मेरे अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई है और उन फीलिंग के बेस पे मेरा जो एक्शन होगा मेरा जो बिहेवियर होगा दैट विल बी कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट माय बॉस एंड हेल्प हिम नॉट ओनली आई विल हेल्प हिम रादर आई विल आल्सो हेल्प हिस्सा आप घर के अंदर हो आपकी फीलिंग ये है आप समझते हो कि आपके फादर बहुत अच्छे हैं बहुत नरम हैं तो उसी से आपकी फीलिंग ये डिवेल्प होती है कि बाकी बहन भाइयों से अबू अब मुझे ज़्यादा फेवर देते हैं तो क्या होगा ऑफकोर्स ये तो ऐसे रिश्ते हैं इनमें हम उन चीज़ों को मिक्सअप नहीं कर सकते बट एटलीस्ट यू कैन हैव गेट एन आइडिया कि आप बढ़ के आगे छोटी सी बात पे भी आप अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करते हो ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी दोस्त के बारे में आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप आप बिलीव करें अगर आपका बिलीव ये कहता है या आपकी जो फीलिंग है वो ये है कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन वो आपका बड़ा हम्बल या आपका बड़ा चाहने वाला है आपका ख्याल करने वाला है तो नेचुरली आपकी फीलिंग उसके बारे में भी वही डेवलप हो जाती हैं और जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसके यानी उसका आपका जो बिहेवियर होगा वो उन फीलिंग और बिलीव पे डिपेंड करेगा लेट्स टेक अदर एग्जांपल जहां पे इसके अपोजिट होता है इसी एग्जांपल में इसी स्लाइड्स के अंदर आप देखते हैं कि सेकेंड केस में आप बिल आपका बिलीफ है कि को कोवर्कर और को कोवर्कर आपका साथी जो है साथ काम करने वाला है वो थोड़ा सा आई शुड नॉट से फूल बेसिकली लाइक वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है इतना अच्छा नहीं है काइंड ऑफ गुफ पर्सन देयर तो आपका बिलीव क्या हो जाएगा आपका फीलिंग्स क्या हो जाएंगी आपकी फीलिंग होगी कि आई आई डोंट लाइक हिम बेसिकली यू डिसलाइक हिम तो अगर आप उसको डिसलाइक करते हैं तो नेचुरली आपका बिहेवियर क्या होगा आप उसके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे या आप उससे कॉपरेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो देखें कैसे आपके वो जो बिलीव्स हैं आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके बिहेवियर को शेप अप करती हैं तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने एक एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स गो टू नेक्स्ट फेज द ग्रुप्स ग्रुप क्या होते हैं यस बेसिकली इट इज़ आर मोर पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव हम उसको ग्रुप्स कहते हैं और ग्रुप्स की जरूरत क्यों पेश आती है हम इसको ग्रुप टास्क भी कहते हैं जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि द मोर कॉम्प्लेक्स द टास्क जितना ज्यादा आपका काम मुश्किल है जितना आपका काम बड़ा है उतना ही इसके अंदर आपको नॉन रूटीन काम भी करने हैं इसका मतलब है उतने ही ज़्यादा आपको डायवर्सिफाई किस्म के रिसोर्स चाहिए अब द्यूमन रिसोर्स तो उतनी ही ज़्यादा अफादियत आपकी ग्रुप बनाने की बन जाती है लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था वो मैंने एक गलत कोट कर दिया था टू टू वन टू वन एक और एक ग्यारह होते हैं दो और दो ग्यारह नहीं होते तो जिस तरह एक और एक ग्यारह होते हैं तो जितना बड़ा काम होगा जितना कंप्लेक्स टास्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको एक ग्रुप की अफादियत और जरूरत पेश आएगी इसके कुछ फायदे और नुकसान देखते हैं मैंने एक लफ्स लास्ट टाइम कुछ लेक्चर्स के अंदर यूज किया था सनर्जी वॉट इज दैट सनर्जी बेसिकली ये मैथमेटिकली वेरी सिंपल टू प्लस टू यस नेचुरली मैथमेटिकली देखा जाए तो ये चार होना चाहिए बट इट इज रिटर्न देयर फाइव ये पांच कहां से आ गया एंड दैट फाइव इज बेसिकली वन एक्स्ट्रा इज़ बेसिकली इस ये एक सनर्जी इज ए बायोलॉजिकल टर्म जिसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ सब्सटेंस मिलाते हो सबस्टेट जो बेसिक उसके कंपोनेंट्स हैं और जो सब्सटांस बनता है उसकी वैल्यू उन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू के जमा करने से ज़्यादा हो जाती है इसको सनर्जी कहते हैं या जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर टू प्लस टू इज फाइव मीन एक एक्स्ट्रा जो है ये सनर्जी है ये सनर्जिकल इफेक्ट है उसका दोनों को इकट्ठा करने से जो एक एक्स्ट्रा आ गया इसको हम वैल्यू एडिशन भी कहते हैं अगर आपको याद हो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो हम एक प्रोसेस सिस्टम अप्रोच के तहत ऑर्गेनाइजेशन का देखा था जिसमें इनपुट्स होती हैं एंड देन यू हैव द आउटपुट्स उसके अंदर एक प्रोसेस का हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल्स के साथ कि प्रोसेस अच्छा है तो आपकी आउटपुट बेहतर है प्रोसेस में कोई खामी या ख़राबी रह गई है तो आपकी आउटपुट में कमी आ जाएगी उसको सनर्जी इफेक्ट भी कहते हैं वैल्यू एडिशन भी कहते हैं तो ग्रुप का फायदा ये भी है कि अगर ग्रुप अच्छा मिल जाए लोग अच्छे कोहेसिव टीम बन जाए और कोहेसिव ग्रुप हो जाए तो आपका रिजल्ट जो होगा रिजल्टेंट जो होगा वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो उनकी उनको इकट्ठा भी कर लें तो उससे ज्यादा होना चाहिए एक तो ये फायदा है ग्रुप्स का या टीम अप करने का आगे जाके हम टीम्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आप उसका फर्क महसूस कर लेंगे वट अबाउट द नेगेटिव आस्पेक्ट कभी ऐसे भी होता है कि टू प्लस टू इज इक्ल टू थ्री आर इवन लेस देन दैट तो ये कहाँ चला गया मैथमेटिक्स वाले तो बड़े खफा होंगे कि दो और दो चार होते हैं ये तीन और या पांच क्यों लिखते हैं लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट एक छोटा सा आइडिया आपको शेयर करना चाहता हूँ इसको हम प्रोसेस लॉसेस कहते हैं जिसमें हो सकता है उस प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ लॉस हो गई हो आपको जो एग्जैक्ट आपने जितना इनपुट डाला था उससे भी कम मिला और ये नेगेटिव आस्पेक्ट है ग्रुप्स का क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है मेन हमारा सब्जेक्ट तो एच है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वक्त कि ग्रुप में डायनिकज्म में हम पढ़ाते हैं कि फ्री राइडिंग्स हैं लोग आते हैं ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपको भी अंदाजा होगा कि जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको कोई असाइनमेंट मिलती है आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं टीम की शक्ल में ग्रुप की शक्ल में तो क्या होता है कि उस ग्रुप के अंदर से एक दो लोग ही काम कर रहे होते हैं बाकी फ्री राइडर्स उनको कहते हैं फ्री राइडिंग करते हैं वो आपसे कहेंगे भाई चाय पिला दूंगा ज़रा ये असाइनमेंट कर लेना और फिर वो आपकी वरना ऐसे होता कि अगर वो वो भी अपनी एफर्ट डालते तो आपकी असाइनमेंट आपका प्रोजेक्ट बेहतर हो सकता था तो यही चीज़ को हम प्रोसेस लॉसेस कहते हैं दैट इज़ आल्सो वन नेगेटिव एस्पेक्ट वी कैन से ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स व्हाई डू पीपल फॉर्म ग्रुप्स इंस्टिट्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आम लाइफ के अंदर भी लोग पीपल ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो आपस में ग्रुप फार्मेशन करते हैं दैट इज़ आल्सो ए बेसिक जो हमारी लाइफ को अगर आप देखें जब से शुरू हुई है तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए वो रीजनस क्या हैं वो बेसिक uh, जो जो हैं वो हम उनको लिस्ट करते हैं इन पाँच uh, जो है कैटेगरीज़ में नंबर वन इज़ सिक्योरिटी नंबर टू इज स्टेटस नंबर थ्री इज सोशल नीड नंबर फोर पावर एयर नंबर फाइव इज गोल अचीवमेंट लेट्स सिंग, लेट्स सी वाई फॉर द सिक्योरिटी यू नीड टू फॉर्म अ ग्रुप अब सिक्योरिटी क्या है या क्या चीज़ है आप जानते हैं आप घर से बाहर निकलते हो रात को तो किसी को साथ लेके चलते हो यार अकेला नहीं जाता रास्ते में पता नहीं डर होता है खौफ होता है तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप दो लोग साथ रख लेते हो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इदारों के अंदर भी लोग ये फील करते हैं कि इंडिविजुअली ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ थोड़ा सा बाइस रोल प्ले करे बट इफ़ वी आर टुगेदर तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हमें कोई वो जो इंडिविजुअल जैसे कहते हैं ना उसमें इतिहाद में बरकत होती है कि मिलके आप ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर सकते हो तो कभी उस सिक्योरिटी पर्पज़ से ये भी आप लोग ग्रुप फार्म करते हो आर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो हैं इवन रियल लाइफ के अंदर भी आप एक महल्ले में रहते हो तो अपने उस महल्ले को प्रोटेक्शन uh, के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आप मिलकर एक टीम बनाते हो कि यार एक ग्रुप है जो यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल करेगा लेट्स सी नंबर टू रीज़न टू फार्मिंग ऑफ ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द स्टेटस वो जिसे एक दैर इज आल्सो ह्यूमन साइकोलॉजी कि यू फील प्राइड किफ समी पीपल आर विद यू आप थोड़ी सी एलिवेटेड फील करते हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं आपकी बात मानते हैं आपकी बात को अहमियत देते हैं और आपके लिए खड़े भी हो जाते हैं तो स्टेटस कॉन्शियस लोग भी कुछ होते हैं उसके लिए भी ग्रुप फार्म होते हैं फिर सोशल नीड भी है जिसको हम पेयर प्रेशर कहते हैं कि आपके साथियों ने एक ग्रुप बनाया आपके दोस्तों ने एक इकट्ठे हुए किसी के एक मकसद के लिए आपसे भी कहा जाता है कि ओके okay, नहीं आप भी साथ चलें तो दैट इज़ ए पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं दोस्तों का या सोशल किस्म का उसका आपकी ज़रूरत भी समझी जाती है सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर आप रहते हैं कि आप किसी ना किसी ग्रुप से आपका ताल्लुक हो वैसे भी हमारे कबीले कभी, बनते हैं सोसाइटीज़ में आप नेशन से रिप्रेजेंट होते हैं अपने कबीले से पहचाने जाते हो तो एक सोशल नीड भी है जिसकी वजह से आपका एक नेचुरल ग्रुप बन जाता है दैन इज द पावर टू मेक यूर काइंड ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू से हैव इट्स मोर इफेक्टिव यू फार्म ग्रुप अकेले आप कोई बात करेंगे शायद कोई ना सुने लेकिन जब आप ग्रुप की शक्ल में बात करते हैं तो उसकी अफादियत होती है लोग उसको सीरियस लेते हैं अदारों के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लोग कभी कभी वो पावर इट मे भी नेगेटिव और पॉजिटिव बट जस्ट टू हैव अटेन सम पावर दे फार्म ग्रुप उसके अलावा गोल अचीवमेंट्स के लिए मैंने एक मकसद पूरा करना है मैंने एक जगह पहुंचना है मैंने एक चीज़ अचीव करनी है उसके लिए मुझे मालूम है कि वो मेरे अकेले के बस की नहीं है तो मैं एक ग्रुप फॉर्म करूंगा ताकि वो बर्डन शेयर हो जाए और मिल के वो हम गोल अचीव कर सकें दैट माइट बी वन रीजन ऑफ फार्मिंग विद ग्रुप्स एज वी डिस्कस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट देर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक फार्मर एंड इनफार्मर सिमिलरली वी कैन हैव फार्मर ग्रुप्स आर इन फार्मर ग्रुप्स इन the organization. The फार्मर ग्रुप्स organization जो हैं वो खुद बनाती हैं एक टास्क ओरिएटेड ग्रुप जिसे कहते हैं को उनको एक स्पेसिफिक काम देना है तो आर्गेनाइजेशन कुछ लोगों को पिक करके एक ग्रुप फार्म करती है ओके दैट इज़ योर जॉब यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर जॉब उसको हम फार्मर ग्रुप कहेंगे लेकिन सम टाइम पीपल ऑफ़ सिमिलर इंटरेस्ट सिमिलर माइंड सिमिलर एटीट्यूड दे माइट कम क्लोज टूगेदर एंड दे फार्म इन फार्मर तो जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइ उसके दो टाइप्स बताए थे इस तरह ग्रुप्स के अंदर भी आपको आप कोई अगर किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप में फार्मर और इन फार्मर ग्रुप्स का भी बताया जाएगा लेट्स मूव फॉवर ग्रुप्स के कुछ रोल्स भी होते हैं विद इन वन ग्रुप पीपल प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स नंबर वन इज़ टास्क ओरिएंटेड रोल कुछ लोगों का काम क्या होता है कि वो इनिशिएटर का रोल प्ले करते हैं या कंट्रीब्यूटर का या फैसिलिटेटर का कहना चाहिए उस ग्रुप के अंदर खुद ब खुद अगर तो इनफॉर्मल है तो खुद ब खुद उनका एक रोल अडाप्ट हो जाता है कि ये ग्रुप लीडर है यह ग्रुप का इनिशिएटिव जिसने आइडिया दिया है कभी कभी इंस्टीट्यूशन जब फार्मल होता है तो वो असाइन करते हैं डिप्टी आपकी कि यू विल बी द ग्रुप लीडर तो वो एक उसका रोल हो गया उसके अलावा इंफॉर्मेशन सीकर भी होते हैं आजारे उस ग्रुप के अंदर उनको बार बार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है या कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का रोल भी प्ले होता है कि दे ऑलवेज प्ले इन्फॉर्मेटर काइंड ऑफ गिवर आर जिन्हें कहना चाहिए इन्फार्मेशन देते हैं उस ग्रुप के अंदर ताकि उस ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस डायरेक्शन पर रहें जहाँ पर वो कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं देन इज़ दी रिलेशनशिप और रोल्स वो क्या होते हैं विद इन ग्रुप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनक्रेज करते हैं हर एक को आपने कभी क्रिकेट मैच को ग़ौर से देखा डेफिनेटली देखते होंगे हमारे एक विकेट कीपर हैं मोन खान वो बहुत बोलते रहते हैं लेकिन उनका बोलना बड़ा काम आता है वो मुशी को भी हर एक को बकअप करते हैं शाबाश बाल दरमियान में फेंको इधर फेंको वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं उस वक्त इनकरेजर का इसी तरह हार्मोनाइजर जैसे कहते हैं हार्मोनाइज करना अगर कुछ कभी कन्फ्लिक्ट आ जाता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कुछ लोगों का ऐसा नेचुरल भी होता है रोल कि वो प्ले कर रहे होते हैं कि चीज़ों को हार्मोनाइज़ करें कि सो दैट दे शुड स्टे फोकस टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव आर गोल सिमिलरली देर आर समिविजुअल रोल्स टू कुछ लोग होते हैं जो ब्लाकरस का रोल प्ले करते हैं कि ख़ाम खा नहीं होने देना जी आपने देखा होगा रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स के काफ़ी मिलते हैं इसी तरह कुछ जॉकर्स का जा, जॉकी कौन होता है जो वो घोड़ा भगाता है कि वो चीज़ को मोबलाइज करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स आप ग्रुप्स के अंदर भी देख सकेंगे जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि दैट इज़ नॉट अवर मेन सब्जेक्ट एरिया आई डोंट वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन दिस थिंग जस्ट गिव यू फ्लेवर सो दैट यू माइट हैव एन आइडिया कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ये कैसे चीजें चलती हैं नोलेट सी आपकी किताब के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं कि किस तरह हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अच्छा फंक्शन कर रहा है या वो इफेक्टिव ग्रुप जिसे कहते हैं उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं लेट्स डिस्कस दैम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम कि कैसे वो एक अफेक्टिव ग्रुप को शेप अप करते हैं तो एक अफेक्टिव ग्रुप होने की एक निशानी तो ये है कि ग्रुप मेंबर आर ऑलवेज रिलैक्स कंफर्टेबल और उनका एटमॉसफेयर वेरी इनफॉर्मल होता है कभी कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि जब टेंशन होगी तो वो ग्रुप मेंबर जो हैं आपस में आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं अगर रिलैक्स इन्वायरमेंट है कम्फर्टेबल है और कोई फॉर्मेलिटीज आपस में नहीं है ग्रुप मेम्बर्स के अंदर दैन यू यू कैन सी के दिस इज ए वेल फंक्शनिंग आर इफेक्टिव ग्रुप एंड अदर वन इज एवरीबॉडी नो वट देर यू आर शी सपोज टू डू टास्क वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड नॉट ओनली यू अंडरस्टैंड वट यू आर सपोज टू डू बट यू होल हार्टली एक्सेप्टेड आई विल डू इट तो ये भी एक निशानी है एक इंडिकेटर है एक करेक्टरिस्टिक्स है किसी अच्छे ग्रुप का वेल फंक्शन ग्रुप का उसके अलावा ईच मेंबर दे आर गुड लिसनर दे लिसन वेल एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन इश्यूज वो सुनते भी है और पार्टिसिपेट भी करते हैं नो फॉर्मेलिटीज देयर कि कौन है कोई बड़ा बोल रहा है छोटा बोल रहा है उन सबको मकसद यही उनको पता है कि हम इकट्ठे हुए हैं एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए तो उनके अंदर बड़ा एक्सेप्टेंस होती है कि वो हम्बल होनेस भी उनके अंदर कई जगह होती है कि आप सुनते भी हो और पार्टिसिपेट भी करते हो दैट इज आल्सो वन क्राइटेरियन सिमिलरली जैसे हमने सबको अपना ऑब्जेक्टिव पता होता है टास्क पता होते हैं क्या करना है इसी तरह उन टास्क से रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं वो बताई जाती है उनके लिए बताया जाता है उनको और हर कोई अपने अपनी असाइनमेंट को एक्सेप्ट करके उस परफॉर्म करने की भी कोशिश करता है एंड वन ईच मम्बर इज अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन एंड फंक्शंस अगर उसको ब्रॉडर बिग पिक्चर का पता है उन सब मेंबर्स को तो डेफिनेटली उनको पता है कि क्या क्या करना है और कैसे जाना है मूव करना है और किसी वक्त अगर कभी कभी कंटीजेंसी प्लान भी उनके जहन में होता है कि किसी इस वजह से वो वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे तो अगर उनको पूरा अपने फंक्शंस का और ऑपरेशन का पता है तो वो कंटीजेंसी प्लान के साथ भी मूव करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं एंड अदर क्राइटेरियन

जब उनके डिसीजन मेकिंग जो है वो कंसेंसस से हो पार्टिसिपेशन से हो हर एक को चांस मिलता है कि उस डिसीजन में अपना रोल प्ले कर सके वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज लाइक दिस थिंग कि ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है आप भी इसको समझिए और इससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए कि दे कंफ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट सेंटर अराउंड आइडियाज एंड मैथ्स हमारे यहाँ क्या होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वी ऑलवेज डिसआर्ग एग्रीमेंट जो हमारे होते हैं कोई भी जो हमारा डिस्कशन पॉइंट होता है वो पर्सनालिटीज़ होते हैं इश्यूज़ को हम ध्यान ही नहीं देते लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट जो है या जो डिसएग्रीमेंट्स हैं अगर इश्यूज़ के पे हो मेथड्स पे हो तो आई बिलीव यू कैन हैव दी सलर्जिकल इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे आप मैक्सिमम देखते हैं कि ये किसने बात की है ये किसका पॉइंट जो है आइडिया है हम उस बेस पे उस आइडिया को उस मेथड को उस इश्यूज़ को एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम आवर ग्रुप्स आवर टीम्स दे डोंट अचीव देयर गोल्स जैसा कि मैं आपको अभी डिस्कस करा था कि ये भी एक क्राइटेरिया है इंडिकेटर्स है एक अच्छे ग्रुप का कि उनके यहाँ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं डिसग्रीमेंट भी होते हैं बट दे ऑलवेज सराउंड अराउंड वट आइडियाज़ एंड मैथड्स आर इशूज़ बट नॉट ऑन पर्सनैलिटीज़ तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अगर किसी का काम कर रहे हैं तो हम जरा पर्सनैलिटी से हट के काम करेंगे तो आई बिलीव की चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी उस मूव नेक्स्ट तो दैट वॉज अबाउट ग्रुप्स नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट टीम्स टीम्स क्या होती है और ग्रुप्स और टीम्स में क्या फर्क है लेट्स डिफाइन द टीम टीम्स आर ग्रुप्स विद ग्रेटर इंटरडिपेंडेंट यहां पर क्या होता है कि जो टीम मेंबर होते हैं या ये वो ग्रुप की शक्ल है जिसमें हर मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है आपकी क्रिकेट टीम को लीजिए अगर बॉलर अच्छा होगा तो बैट्समैन ना अच्छा हो तो टीम तो परफॉर्म नहीं कर सकेगी प्रॉपरली बॉलर बहुत अच्छा हो लेकिन आपके जो फील्डर हैं वो कैच छोड़ना शुरू कर दें तो फिर भी आपकी टीम नहीं जीत सकती तो इट इज ए इंटीग्रेटेड एफर्ट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है उनकी परफॉर्मेंस बैट्समैन विकेट आप कीपर आपका आपके जो फील्डर्स हैं आपके जो बॉलर्स हैं ये एक दूसरे पे इतना अकेले किसी एक की वजह से वेरी रेयर के किसी एक ने दस की दस विकटें ले ली और आप मैच जीत गए लेकिन जनरली टीम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेपड़ी रिक्वेजेंटिव बेसिकली दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और उसमें जो बुकिश फार्म वो तो ये कहती है कि इस तरह की ग्रुप्स जो टीम की शक्ल में होते हैं और कैन बी हायर परफॉर्मिंग दे कैन हैव द सिनर्जिकल इफेक्ट बट डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है तो जनरली हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं टीम्स वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे उनके मेंबर आपस में इंटरडिपेंडेंट करते हैं और मिलकर कुलेक्टिवली वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसमें से उनका सनर्जिकल इफेक्ट वैल्यू एडिशन वाला इफेक्ट क्रिएट होता है कितनी किस्म की टीम्स हैं मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स होती हैं उसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है उसमें हर मेंबर की फोकस वही प्रॉब्लम होता है और सारे मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देन इज अ सेल्फ मैनेजमेंट टीम सिमिलरली वी हैव द क्रॉस फंक्शनल टीम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग मिल के कुछ इश्यूज को कुछ प्रॉब्लम्स को सेटल करने की कोशिश करते हैं मिल खेलते हैं मिल के कुछ चीज़ अचीव करते हैं देन वी हैवे वर्चुअल टीम ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्ट भी हमने डिस्कस किया था तो वर्चुअल टीम क्या होगी वही मेंबर्स जो उस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं कि एक यहाँ बैठा हुआ है दूसरा कराची में है तीसरा जापान में है चौथा मेंबर जो है उस टीम का ए बी यू एस ए में बैठे हुए हैं एंड दे आल टूगेदर वर्क डिपेंडिंग ऑन ईच अदर येस टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन और देयर टीम गोल्स उसको हम वर्चुअल टीम कहते हैं सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने के लिए इट इज सेट दैट को आई कोट इट इज इजी टू गेट प्लेयर्स गेटिंग देम टू प्ले टूगेदर दैट इज द हार्ड पार्ट अनकोट लोगों को प्लेयर्स को इकट्ठा कर लेना तो कोई बात नहीं है लेकिन इनसे काम लेना इज ए बिग टाइम थिंग तो टीम बनाना आर्गनाइेशन के अंदर ग्रुप डिजाइन कर लेना फार्मर ग्रुप और इनफार्मर ग्रुप इज़ नॉट ए बिग ऑफ़ कोर्स इट इज ए नीड सर्टन एफर्ट्स बट स्टिल असल मकसद तो है ना कि वो मिलके काम करें और वो अचीव करें जिसके लिए वो टीम बनाई गई थी जिसके लिए वो ग्रुप बना गया था और वो जो उसका एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो उसमें से निकले कैसे हम इंडिविजुअल्स को टीम की शक्ल में ला सकते हैं यह देखने के लिए लेट्स सी, थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर दो थ्री थिंग्स सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड रिवार्ड्स तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर लेना प्लेयर्स को आपने देखा होगा एक दफा क्रिकेट का मैच हुआ था कि वर्ल्ड इलेवन वर्सेस किसी एक टीम के साथ उसका मैच कराया गया था जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को इकट्ठा किया गया था जो अपने अपने मुल्क की टीम के टीम के बेहतरीन प्लेयर्स थे तो क्या हुआ वो टीम हार गई क्यों हारी कि उस टीम को इकट्ठा करके उससे काम लेना उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं थी जिसकी वजह से वो टीम हार गई जबकि लॉजिकली देखा जाए या नंबर के हिसाब से देखा जाए तो देवर द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट तो उनको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था लेकिन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेने से यू माइट नॉट बी एबल टू गेट द रिजल्ट तो उसके लिए सबसे पहला ऑफकोर्स पॉइंट यह है कि आपके पास राइट लोगों की सिलेक्शन हो तो जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगे कि आप उस लोगों से उस टीम के मेंबर से अच्छा इफेक्टिव काम ले सकें नंबर वन इज सिलेक्शन नाउ सिलेक्शन राइट पर्सन को पिक करना ये यह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो सिलेक्शन पार्ट है उसमें जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितने लंबे प्रोसेस से गुजर के कितना लेंथी प्रोसेस है उससे गुजर के आपको सिलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है बट हेयर सिलेक्शन मीन बेसिकली पिकिंग राइट पीपल यू हैव टू सी द फिट बेसिकली कि उस इंसान को जिसको पिक करें क्या उसके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जिस जिस टीम के लिए आप उसको पिक कर रहे हैं जस्ट जिससे जो जिस किस्म का आप उससे काम लेना चाह रहे हैं आई 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 थिंक लास्ट इन कपल लेक्चर टू और इट वॉज नंबर वन किसी के नाम के साथ डॉक्टर लिखा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस डॉक्टर वो आपके एक अच्छा ऑपरेशन भी कर ले किसी पेशेंट का डॉक्टर कोई भी हो सकता है डॉक्टर फिजिक्स में भी हो सकता है डॉक्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है क्योंकि आपने तो फिट क्रिएट करना है वट इज़ दैट फिट बेसिकली उसे कपलिंग अफेक्ट भी कहते हैं हम कि आपने उन इस उस इंसान के अंदर उस पर्सन के अंदर एबिलिटीज़ को मैच करना है अपनी इंस्टीट्यूशन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ एंड इफ़ यू पिक द राइट पर्सन मैक्सिमम काम तो आपने कर लिया उस टीम का जिक्र कर रहे थे वर्ल्ड एलेवन का उसमें तो उन्होंने अच्छे लोग पिक कर लिए अब खाली पिक करने से बात नहीं बनेगी उसके बाद आपने उनको एक्मेटाइज कराना है अपनी उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ से आपने उनको काम लेना है और वो होता है ट्रेनिंग के साथ सो सेकंड पार्ट विल बी दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी टू ट्रेन दोज पीपल अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऑलरेडी जो वर्किंग पर्सन है या एक अच्छा खिलाड़ी आपने उसको ले लिया तो आप उसको आप क्या ट्रेनिंग देंगे इट इज ना लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफ सोशल फ्राम स्टार्टिंग फ्राम द सोशलाइजेशन प्रोसेस आप कितने अरसे से, से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो अगर किसी के और के कंप्यूटर पर जाके बैठोगे तो थोड़ा सा आपको झिझक हो कि आपको उसको समझने में चंद सेकंड चंद मिनट ज़रूर लगेंगे इसी तरह आप गाड़ी बड़े अच्छे ड्राइवर भी हो किसी और की गाड़ी चलानी पड़ जाए तो यू नीड सम वो टाइम चाहिए बेसिक थोड़ा सा कि आपको एडजस्टमेंट हो सके कि इसका स्ट्रेनिंग कैसे है कितनी इसके अंदर मोमेंट है ब्रेक कहाँ पर लगती है कितना सख्त या ईजी है इनका गेयर को चेंज करना ये चीज़ भी किसी नए लोग पर्सन को जब इकट्ठा करते हो लोगों को तो यू हैव टू ट्रेन देम सो दैट दे शुड लर्न अबाउट दी प्रेजेंट सिचुएशन एंड आल्सो टू नो ईच अदर उसको हम एच आर के हवाले से सोशलाइजेशन प्रोसेस या ऑर्डियटेशन प्रोसेस कहते हैं लेकिन इसी टीम के हवाले से क्या जब लोगों को आपने ले लिया आपने अब उनको आपस में ट्रेनिंग भी इस तरह की देनी कि वो आपस में एक दूसरे को समझ सकें हाकि की टीम बनाते हो खिलाड़ियों को इकट्ठा किया आपने अब आपने आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन और वो चीज़ भी के लिए उनको ट्रेन करना है कि वो समझ सकें कि अगर मेरा ये खिलाड़ी या मेरा ये साथी जो है अगर ये मूव चलेगा तो मुझे उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या करना है एंड दैट इज़ बेसिकली द ट्रेनिंग पार्ट नाउ यू हैव आल्सो गिवन द ट्रेनिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें वो एक दूसरे को टीम मेंबर समझ भी गए आपकी ऑब्जेक्टिव को भी समझ गए आप उनसे क्या काम लेना चाहते हैं वो भी समझ गए आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन भी एक स्टेब्लिश हो गई वर्किंग रिलेशनशिप बन गए तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रिवार्ड्स यस व्हाट इज कैच फॉर देम एक का दफा तो वो शायद परफॉर्म कर लें एक का दफा दफा तो अच्छा काम कर लें लेकिन क्या जरूरी है क्या आपके पास श्योरिटी है कि वो बार बार ऐसा करेंगे उसको फिर आपके उसकी परफॉर्मेंस को अटैच करना है विथ रिवार्ड्स इंसेंटिव्स जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जाने लगी तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इनको भी अगर वो कप जीत के आएंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कुछ रिवार्ड भी उसके लिए रखा था दो के बहुत सारे अदर रीज़न भी हुए कि हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है आपको पता है आप मेहनत क्यों करते हो आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करते हो ताकि आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे अच्छे ग्रेड आएंगे तो फिर क्या होगा आपको अच्छी आगे अच्छे इधारों में एडमिशन मिलेगा एंड यू विल गो फॉर हायर एंड हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन क्यों लेंगे ताकि आप अच्छा करियर बना सकें अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें इसी तरह कोई भी टीम मेंबर है उससे काम लेने के लिए या उस टीम से काम लेने के लिए यू हैव टू हैव सम समिवार्ड सिस्टम सम इंसेंटिव सिस्टम तो क्या हुआ कि अगर आपने अपनी टीम से काम लेना है अपनी टीम से कुछ अचीव कराना है तो यू नीड थ्री बेसिक स्टेप्स अदर देन अदर नॉर्मल थिंग यू आर डूइंग यू हैव टू पिक राइट पर्सन सिलेक्शन में आपने देखना है कि आपने वो फिट क्रिएट किया कि नहीं किया आपने एबिलिटीज़ के बेस पे किया उस इंस्टिट्यूशन को उस ऑर्गनाइजेशन को जिस चीज़ की जरूरत थी वही लिया आपने ह्यूमन रिसोर्स उसी कैपेबिलिटी का बंदा लिया जो एक ख़ास टीम जो आप बना रहे हैं उसके लिए फिर आपने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी सो so दैट उस ट्रेनिंग के बाद वो लोग मिलकर एक टीम की तरह परफॉर्म कर सकें एंड देन वट काइंड ऑफ रिवार्ड सिस्टम आर इंसेंटिवस यू हैव डिजाइन सो दैट दैट टीम शुड कीप ऑन वर्किंग इन दिनिंग स्पिरड ग पॉइंट टीम तो क्या है टीम क्या चीज है तो किसी ने एक बड़ी अच्छी स्लाइड बनाई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं टीम के चार अल्फाबेट बेसिकली टी ई ए, एम ए, ए, तो ये देखें लोगों का कितना क्रिएटिव माइंड है वो क्या सोचते हैं और किस तरह उस चीज से रिलेटेड वर्ड्स को भी निकालती हैं टी स्टैंड फॉर टुगेदर टुगेदर ऑफ व्हाट ई स्टैंड फॉर एवरीवन टी टुगेदर ई एवरीवन विद इन टीम अचीव्स वट शुड बी लॉजिकर नेक्स्ट एम है वेरी स्मार्ट एम फॉर मोर तो ये जो पजल आपको मैंने दिखाई जैसे मैंने आपसे कहा कि पीपल आर वेरी क्रिएटिव यू शूड ऑल्सो आल वे थिंक कि हाउ केन यू क्रिएट समथिंग जिसका कुछ आपकी लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो सके तो टीम के लिए ये जो पजल बनी थी तो इस पजल को समझने के लिए उन्होंने टी ई एम को एब्रीवेट करके उसकी आगे कुछ लफज बनाए टी फॉर टुगेदर ई फॉर एवरी वन एंड ए अचीव एम मोर तो सब उस टीम के सब मेंबर टुगेदर जो हैं हर कोई कोशिश करके एवरी वन विल पुट हिज आर हर मैक्सिमम एफर्ट दे विल डेफिनेटली अचीव मोर तो यही जो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं, आई बिलीव आप टीम का कॉन्सेप्ट उस ग्रुप फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ आएँगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रियल लाइफ के अंदर भी आप देखते हैं कि अगर ये चीज़ें हमें क्लियर होती जाएं, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस पे आते जाएं, और उनके अंदर आपस में कोहेसिवनेस हो और उस टीम के अंदर उस ग्रुप के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो तो कोई शक नहीं होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दे विल नॉट बी एबल टू अचीव राधर दे विल अचीव मोर और उसको क्या कहते हैं सिनर्जी उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन कि उनका इकट्ठा होना इंडिविजुअल जो हर कोई अचीव कर सकता था उसको इकट्ठा भी कर लेते उससे बढ़ के उन्होंने अचीव किया दैट इज द सिनर्जिकल इफेक्ट दैट इज द वैल्यू एडिशन इफेक्ट तो कैसे जा रहे हैं हम आज सो मैनी डिफरेंट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग पजल ना हो ये क्योंकि ये सारे पीसेस हैं कुछ अरसे के बाद आप आस्ता आस्ता इन पीसीस को समझना शुरू कर जाएंगे और फिर आप उसमें उनको मैच करते शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके साथ सामने वो चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव फिनिश अवर वर्क टुडे नो वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स एंड वट आर दो सर्टन थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिव्यू टू लेक्चर उसके बाद क्या करेंगे हाँ uh -huh. उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर सिक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर खुदा हाफिज आपसे कहेंगे लेट्स रिव्यू टूडे लेक्चर आज आप ऊंचा ऊंचा बोलेंगे आपके घर वाले परेशान नहीं होंगे फिक्र ना कीजिए क्या हमने आज डिस्कस किया वो जो आग्नेशनल बिहेवियर का पार्ट था जो बेसिक ओबी मॉडल हमने लेक्चर फोर से शुरू किया था उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम द इंडिविजुअल लेवल्स द ग्रुप पार्ट एंड द टीम्स अब देखिए इसमें भी ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वो जो ओबी ओ बी का जो मॉडल का थर्ड पार्ट था दैट वॉज ऑर्गनाइजेशन लेवल तो अगर हम इंडिविजुअल्स और ग्रुप या टीम को समझ जाएं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं से मिलकर बनती है इंडिविजुअल्स से शुरू किया इकाई यूनिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन उसका बिहेवियर उसका एटीट्यूड कैसे बनता है कौन से वेरिएबल्स थे और सी ऑलवेज योर कल्चर योर द बेसिक लर्निंग फ्रॉम योर स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेबरहुड हैज ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी योर बिहेवियर योर वे ऑफ डूइंग वर्क हम हमेशा कहते हैं कि यह चाइनीज लोग बड़े हार्ड वर्किंग है फला लोग बड़े न कमे हैं ये क्या होता है क्योंकि ये एक उनका जिसे कहते हैं ना ने, नेशनल कल्चर होता है इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि फला ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेरी गुड पीपल बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर डिफाइन हो जाता है वो लोग कौन कौन लोग बनाते हैं वो लोग जो होते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल के बिहेवियर से हमने शुरू किया एंड देन वी स्टार्ट वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनाकमिजम ग्रुप कैसे बनते हैं जब एक से एक ग्यारह होते हुए लोग इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स जो है वो क्यों बनते हैं उसके भी ढेर सारे रीजन हमने डिस्कस किए कोई पावर के लिए कोई रिकग्निशन के लिए कोई पेयर ग्रुप प्रेशर की वजह से कोई अपनी बात की अफादियत को बढ़ाने के लिए किसी को रिस्क सिक्योरिटी पर्पज थी उन्होंने ग्रुप बना लिए एंड देन वी स्टार्टेड काइंड ऑफ वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रुप एंड वर्सेस टीम टीम भी बेसिकली ग्रुप्स होती है ये एक फॉर्म है ग्रुप्स की जिसके अंदर वो जो मेंबर हैं ग्रुप के वो आपस में आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड देन व्हाट, यस कि इफेक्टिव टीम बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है इफेक्टिव टीम बनाने के लिए जरूरी है कि यू शुड द राइट प्लेस उस टीम के अंदर जो जो काम आपने लेने हैं उन लोगों से उस जो आपके नीड्स हैं वो मैच करती हूँ उन एबिलिटीज के साथ जिनको आपने सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट स्टेप वॉज टू ट्रेन देम प्रॉपरली ट्रेनिंग देम फॉर वट सो दैट दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम एक दूसरे से उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें उस सिस्टम को समझ लें एंड देन लास्ट पार्ट वॉज रिवार सिस्टम द इंसेंटिवस उसको अटैच कर दें उनकी परफॉर्मेंस के साथ तो फिर नेचुरली आपकी वो टीम आपके वो ग्रुप्स आपके वो लोग एक बेहतर काम कर सकेंगे और अपने इदारे के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अचीव कर सकेंगे जिनके लिए उनको इकट्ठा किया गया है एंड गोइंग बैक टू और फर्स्ट लेक्चर कि बेसिक मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक मैनेजमेंट ने क्या क्या उसकी डेफिनेशन हमने की थी कि आपने सब रिसोर्सेज को प्लान करना है उसको ऑर्गेनाइज करना है उसको लीड करना है उसको कंट्रोल करना है सो दैट यू शुड बी एबल टू अचीव द गोल्स प्री डिटर्मन गोल्स वो जो आपकी रियलिटी थी अब उस रिसोर्सेज में से हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स को डिस्कस करते आ रहे हैं आज तक दैट वॉज द ह्यूमन रिसोर्स नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज दिस इज़ आवर सब्जेक्ट ये जो आपका एम जी टी फाइव ज़ीरो वन सब्जेक्ट है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है बार बार आपको मैं रियलाइज कराता हूँ कि ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि आप स्टोल के दिस इज इज सब्जेक्ट इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो आपका फोकस जो मोर टूवर्ड टेक्निकल साइड पर होता है तो मैनेजमेंट साइंसिस के स्टूडेंट को तो क्योंकि उनका बेस बना होता है उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ी होती है उन्होंने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा होता है उन्होंने बेसिक अदर सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ उनको आइडिया होता है और फिर वो नेचुरली दिस एप्लीकेशन कोर्स जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनके लिए आसान हो जाता है लेकिन आपको उस लेवल तक लाने के लिए आई ट्राइड में लेवल बेस्ट कि ये बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं इनको थोड़ा सा फ्लेवर आपको देता चलो एंड हाउ मच आई वाज सक्सेसफुल यू आर द बेटर जज आर योर रिजल्ट विल बी डिटर्मिनिंग कि मैंने कैसा आपको यहाँ तक लाने की जो कोशिश की है उसका कितना इफेक्ट है लेकिन याद रखिए उसका उस वक्त तक फ़ायदा कोई नहीं है जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आई बिलीव आज के लेक्चर में जो हमने ये तीन टॉपिक्स जो बिहेवियर पार्ट था उसको जो डिस्कस किया है नाउ ट्राई टू पुट ऑल दोज स्माल पीसज इन बिग पिक्चर एक ऑर्गेनाइजन के अंदर वो जो मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको जहन में रखते हुए मैनेजर्स के रोल को अपने जहन में लाते हुए एंड देन इंडिविजुअल्स बिहेवियर को और ग्रुप का जो काम करना और टीम को सामने रखते हुए ट्राई टू कंसीव द आइडिया ये क्या चीज़ बन रही है ये जो कैनवस पे पिक्चर बन रही है आपके सामने ये क्या आपको मैसेज दे रही है या आपको क्या कंसेप्ट डिवेल्प हो रहा है अगर वो बेसिक ह्यूमन पार्ट तक आप आ गए हैं तो मीन वी हैव डन आवर जॉब अगर तो बेसिक फिलासफी जो ऑर्गेनाइजेशन की है या मैनेजमेंट की है उसको आपने समझ लिया तो फिर अब हमारा अगला जो स्टेप हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा आपके लिए उसको अप्लाई करना फिर रियल लाइफ में भी आसान हो जाएगा आपके जहन में बार बार क्वेश्चन आता होगा कि यू आर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ग्रेजुएट आर स्टूडेंट वाई शुड यू बी कंसर्न अबाउट मैनेजमेंट साइंस आर अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो भाई आपने काम नहीं करना आपने लोगों से काम नहीं लेना किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को तो आपने ज्वाइन करना है कहीं किसी ने कहीं ना कहीं आपने लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो यू हैव टू डील विद द पीपल यू हैव टू लर्न हाउ टू वर्क इन ए टीम यू हैव टू बी ए गुड टीम मेंबर आजकल जब हम किसी को किसी जगह इंटरव्यू कर रहे होते हैं या किसी का रेफरेंस चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछा जाता है हाउ गुड ही शी इज एज ए टीम मेंबर क्योंकि लोग अब एक टीम कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एक जो मिल के एफर्ट करनी है किसी चीज़ के लिए एक कंपेटेटिव एज जो है आपने दूसरे इदारों से मुकाबले में क्रिएट करनी है उसके लिए एक टीम का होना और एक अच्छे टीम मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है सो लेट सी नाउ वट विल बी द नेक्स्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि देट वॉज वन फेज वन मॉड्यूल जो हमारा था वो यहाँ तक पहुँचा कि जिसमें हमने आपके साथ बेसिक चीज़ों को वो स्क्रैचिंग द दर्फिस वाली बात जो थी वो करने की कोशिश की न लेट्स सी कि आगे हमने क्या डिस्कस करना है विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट आपने ये दो लफ्स आपस में मिक्स कि किसी जगह एक दूसरे जगह यूज़ होते सुना होगा पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉमनली जनरली हम इसको एक ही सेंस में लेते हैं लेकिन देर इज सम डिफरेंस बेसिक थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है कि पर्सनल मैनेजमेंट जब हमने आस्था से एक शिफ्ट आई जैसे मैंने शुरू में एक दफ़ा कहीं किसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि पीपल वॉज जस्ट नोन एज ए लक वन टाइप ऑफ रिसोर्स एक मशीनों की तरह एक अदर इक्विपमेंट की तरह उनको समझा जाता था कुछ दो तीन डिकेट बैक अगर देखें आप पुरानी फिल्मों में आपको नजर आता होगा कि लोगों को एक बंद कर दिया जाता था वहां से निकाल के काम लिया जाता था फिर जाके बंद कर दिया जाता था जैसे आपने कंप्यूटर को पैक किया रख दिया फिर निकाल के दूसरे दिन काम लेना शुरू कर दिया लेकिन आस्ता आस्ता लोगों ने सोचा नहीं वी शुड डू समथिंग फॉर देयर बेटरनेस तो ये पर्सनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट डेवलप हुआ इसको शुरू में इसका काम को खास ज़्यादा नहीं होता था ये जब हम आपके साथ हिस्ट्री और इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे लास्ट नेक्स्ट टाइम तो आप देखेंगे कि इसको सम काइंड ऑफ हेल्थ और हैप्पीनेस क्र्यू के नाम दिया जाता था पर्सनल मैनेजमेंट पर्सनल जो आपके पास लोग काम करें उनकी मैनेजमेंट को कहते थे और वो क्या फंक्शन उनके जनरली होते थे पिकनिक अरेंज कर ली उनको किसी हेल्थ कंसर्न का जो इनरोलमेंट कहीं कराना होता है उनकी कहीं इंश्योरेंस करवाना होता है वो काम कर लिया या कभी रिटायर कोई हो रहा है उसकी पार्टी कर ली नेट मोर देन दैट एंड देवर थिंकिंग दैट इज अनफ देयर जॉब तो इस तरह पर्सनल मैनेजमेंट शुरू हुआ इस सारी चीज को समझने के लिए वी हैव टू गो लिटिल बिट इन द हिस्ट्री ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट अब जब हिस्ट्री का नाम आता है तो पीपल स्टार्टेड कैटे कंफ्यूज यार ये पता नहीं क्या क्या चीजें याद करनी पड़ेंगी वेन एवर आई टॉक अबाउट हिस्ट्री आई से इट इज हिस्टोरी उसकी कहानी तो दूसरी कहानी सुन के हमें यह समझने में आसानी होती है कि ये चीजें कैसे इवेंट हुए थे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पर्सनल मैनेजमेंट की हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद, विल सी हाउ दिस पर्सनल मैनेजमेंट वॉज शिफ्ट टूवर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें क्या फर्क है तो फिर अगेन द सेम असाइनमेंट फॉर यू ट्राई टू गेट सम मटेरियल अबाउट दीज टॉपिक्स रीड दैम सो दैट यू शुड बी एबल और वी शुड भी एबल टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट लेक्चर तो अगले लेक्चर में ये तीन टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहते हुए हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस आगे बढ़ना शुरू हो जाए उसके लिए आपने क्या करना है उसके लिए पढ़ना है आपने कैसे शुरू करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताबें हैं आपके पास स्टार्ट विद देयर हिस्ट्री कि कैसे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर आई और उसका क्या फ़ायदा हुआ कौन से इवेंट थे दुनिया के अंदर जिन्होंने लोगों को शिफ्ट किया इस साइड के अंदर विद दिस थार्ट आई स्टॉप इट हेयर अपना ख्याल कीजिए पढ़िए मेहनत कीजिए दिस थार्ट अल्लाह हाफि अलकुम